इसकी फंडिंग किसी सरकार, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष, हर काम करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए, हर काम करने के लिए एक लगन चाहिए, हर काम। जो बिल्डर्स हैं, जो खनन के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य केवल एक संस्था। अभी जो हमने हमारी जो योजना, हमारी जो प्लानिंग है, हिंदुस्तान के जितने भी जो राज्य हैं, एक दिन में 27,000 या 50,000 पेड़ पौधों का जो लक्ष्य हमारा है, इसलिए ग्रीन इंडिया का जो मिशन आप और हमने जो लक्ष्य लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। एक तरफ जहां हमारे देश में सरकार NGT के साथ मिलकर देश को ग्रीन इंडिया बनाने की कोशिश में लगी है, देश में कट रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के बाद अब वक्त आ गया है कि आपको और हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए। जी हाँ, जिम्मेदारी देश को बचाने से लेकर हर महीने पेड़ लगाने की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सी संस्थाएं पेड़ लगाकर देश को संवारने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ पर्यावरण ट्रस्ट की तरफ से मिशन ग्रीन इंडिया भी चलाया जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा पौधों को लगाने का जिम्मा उठाया है। बेशक चुनावी समय में सरकार अपने काम को लेकर ढीली जरूर पड़ गई हो, लेकिन धन्यवाद है उन संस्थाओं का जिन्हें अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जो बढ़ रहा जो प्रदूषण है, उस प्रदूषित वातावरण को, उस प्रदूषित मुक्त भारत की परिकल्पना अपन कैसे करें, उस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 10 करोड़ पेड़ पौधे संपूर्ण भारतवर्ष में लगा के एक ग्रीन इंडिया का जो मिशन आप और हमने जो लक्ष्य लिया है, वो जन सहभागिता के माध्यम से देश के तमाम उन विद्यालयों, उन महाविद्यालयों, उन संस्थाओं, उन डिपार्टमेंटों के सहयोग से इस लक्ष्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। एक दिन में 27,000 या 50,000 पेड़ पौधों का जो लक्ष्य हमारा है, इस भारतवर्ष की जितने भी जो सरकारी नर्सरियां हैं, उनसे जो हमारी योजनाबद्ध तरीके से बातचीत हुई है, वो हमें कितना प्लांटेशन पेड़ पौधे दे सकते हैं, उन सब के ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो निजी जो नर्सरियां हैं, जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरण में काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो अपनी सहभागिता से हमें पेड़ पौधे उपलब्ध करवा के उनको लगाने का, उनको संरक्षित और संवर्धन करने की शपथ लेते हुए इस ग्रीन जो इंडिया के कॉन्सेप्ट को हम पूरा करेंगे। हम सभी सरकारों से, हम केंद्र सरकार से और जो राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं, सभी राजनीतिक दलों से, सभी से आह्वान करते हैं कि ये जो मिशन है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, ये मिशन है संपूर्ण प्रकृति के लिए। न केवल जीव जंतु, न केवल पशु पक्षी, न केवल मानव, बल्कि सृष्टि में निवास करने वाले उस हर एक उस प्राणी, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेके जानवर तक, कि रेंगने वाले कीड़े से लेके सांप तक, और वनस्पति के संरक्षण और संवर्धन तक इसका फायदा सबको मिले, ऐसा हमारा उद्देश्य है। वो जन सहभागिता के माध्यम से, और आप जैसे मीडिया के चौथे जो आधार स्तंभ हैं, जो अवेयर लोग हैं, जो पब्लिक को और हमें जो आप एक मोटिवेशन दे सकते हैं, उनके माध्यम से इसे पूरा करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। अभी जो हमने हमारी जो योजना, हमारी जो प्लानिंग है, हिंदुस्तान के जितने भी जो राज्य हैं, उनमें हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट, जो टीम के मेंबर्स हैं, वो सभी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सभी से योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, पेड़ पौधे कौन से वहाँ के वातावरण में उपयुक्त हो, उन सब पे रिसर्च करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य केवल एक संस्था, एक व्यक्ति के बस का नहीं है, इसमें हम संपूर्ण जनता का, संपूर्ण राजनीतिक दलों का, संपूर्ण सामाजिक संस्थाओं का, हर एक विद्यालय, हर एक विद्यार्थी, हर एक मातृशक्ति, हर एक उस व्यक्ति को हम आह्वान करते हैं कि जो इसमें सब लोग जुट के अगर अपन काम करेंगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए काम करेगा, तब आप और हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इसकी फंडिंग किसी सरकार, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष, हर काम करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए,
हर काम करने के लिए एक लगन चाहिए। हर काम जो बिल्डर्स हैं, जो खनन के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य केवल एक संस्था। अभी जो हमने हमारी जो योजना हमारी जो प्लानिंग है, हिंदुस्तान के जितने भी जो राज्य हैं, एक दिन में 27,000 या 50,000 पेड़ पौधों का जो लक्ष्य हमारा है, एक ग्रीन इंडिया का जो मिशन आप और हमने जो लक्ष्य लिया है वो जन मिशन ग्रीन इंडिया आखिर है क्या? मिशन ग्रीन इंडिया प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए लिया गया फैसला है। इसमें लोगों को अवेयरनेस जागरूकता करने के लिए भी है, साथ साथ लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ने के लिए भी है कि ताकि आने वाली जनरेशन इसके बारे में जान भी सके। और प्रदूषण का इतना स्तर गिर गया है कि हमें पेड़ों के बिना और कोई चीज़ नहीं बचा सकती। पेड़ ही एक ऐसा है जो इंसान के लिए जीवन है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, वातावरण के लिए, यहाँ तक कि बारिश करवाने में भी पेड़ ही संभव है। उसके बिना तो पानी की भी कमी हो जाएगी देश में। प्रदूषण हमारे देश में कई साल पहले से है, तो कहीं ना कहीं देर नहीं हो गई इस मिशन को लॉन्च करने में? जी देर बिल्कुल हो चुकी है इसमें, लेकिन जब जाग जाए जब ही सवेरा। जो बिल्डर्स हैं, जो खनन के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनको हम पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से, उनको जागरूकता के माध्यम से जो हमारी यात्राएं जाएंगी, जो हमारे सेमिनार्स होंगे, जो हमारे लेख होंगे, उनके माध्यम से लोगों को हम जागरूक करेंगे कि पेड़ों का, वनस्पतियों का दोहन नहीं करें। अगर एक पेड़ काटते हैं तो वहाँ 10 पेड़ लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित करें। और हम संबंधित सरकारों से भी आह्वान करते हैं कि एक ऐसी योजना बनाएं, जो बिल्डर्स हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, अगर वो वनस्पति का कहीं भी एक पेड़ का भी अगर दोहन करते हैं, तो ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसे नियम बनने चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो उसके एवज में आपको 5 पेड़ या 10 पेड़ लगाने के लिए आपको कटिबद्ध होना पड़े, संकल्पबद्ध होना पड़े, कानून के दायरे में आपको होना पड़े, तब जाके आपका और हमारा जो शुद्ध पर्यावरण का लक्ष्य, ग्रीन इंडिया का लक्ष्य पूर्ण होगा। हर काम करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए, हर काम करने के लिए एक लगन चाहिए, हर काम करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प चाहिए। आज और हम यहाँ बड़े बड़े भाषण व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से शुरुआत करें और ये डेडिकेशन अपन माने। आप जैसे मीडिया कर्मी समय समय पर हर क्लब को, जैसे मान लो हमारा ट्रस्ट है, मैं कहता हूँ व्यक्ति एक गलतियों का पुलंदा, अगर कहीं से हमसे भी त्रुटि होती है तो आप हमें सुझाव दें। आपको लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ इसीलिए किया गया है ताकि आप पब्लिक की जो समस्याएं, प्रकृति की जो समस्याएं, संपूर्ण सृष्टि की समस्याएं, उनसे अवगत कराएं। कहीं अगर हमसे गलती होती है, आप जैसे अवेयर, आप जैसे जागरूक लोग हमको जागरूक करें। हम इस मिशन में, हम इस उद्देश्य में आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की सहभागिता से इसको पूर्ण करने का भरसक प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सने सने हमें सचेत करते रहेंगे। इसकी फंडिंग किसी सरकार, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष से न आके ये संपूर्ण भारतवर्ष के जितने जो लोग हैं, अपन भारतवासी, देशवासी हैं, उन सब के सफल सहयोग से, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, विद्यालय महाविद्यालयों के सहयोग से, और आप और पब्लिक के कोई भी जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो इसमें इस पुनीत कार्य में अपना देना चाहे, उन सबके स्वागत से, उन सबके योगदान से इसमें फंडिंग आएगी, न कि किसी सरकार विशेष, न कि किसी संस्था विशेष, न कि किसी व्यक्ति विशेष, सभी का स्वागत होगा। जो ऐसे लक्ष्य में, ऐसे पुनीत कार्य में अपना योगदान दे, उसका सबका स्वागत। धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जुझारू और जागरूक लोग हमारे बीच में रहे ताकि इस मिशन को अपन अंजाम तक पहुँचाएं।